ये लारियाटा मंडी में आए हैं। तो इस टाइम आने का फ़ायदा ये होता है कि जो परिंदों की कीमतें होती हैं वो बिल्कुल मुनासिब सी कीमत। ये लाला जी ने निकाला 1500 रुपये मांग रहे हैं। लाला जी कितना रेट मांगा है? 1500 मांग लिया। ये आप 4000 रुपये की बता के आप उनका नाम लें, ये तो नहीं ना अच्छी बात है। नहीं बात ये, ये देखें दोस्तों चीज़ें ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। बहुत प्यारा वजूद है इसका, यकीन है। इधर से इतना मुनासिब बच्चा और इतने अच्छे अच्छे बच्चे के यार, जो लोगों के घरों से 2000 का बच्चा मिलता है, इधर मुझे उन्होंने 800 के साथ दे दिया। कहने के जी रजिस्ट्री ले आए हो, तेरे को रजिस्ट्री होवे वीगो होवे तो फिर ताडे को आओ। जो अच्छे उड़ जाए वही हम ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि जो प्रवास दे काम वो वही अच्छे कबूतर हमें लगते हैं। और बिजनेस के लिए टैडी कबूतर जो मैरो वाले कबूतर हैं वो बहुत अच्छे कबूतर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये लारियाटा मंडी में आए हैं, तकरीबन 12:00 का टाइम है, ये देख लें। तो दोस्तों इस टाइम आने का फ़ायदा ये होता है कि जो परिंदों की कीमतें होती हैं वो बिल्कुल मुनासिब सी कीमतें हो जाती हैं, ठीक है। सुबह के टाइम रेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस टाइम ये होता है कि रेट इनके देने वाले होते हैं, या देख के घर जाने वाली बात करते हैं और मुनासिब सी बात करते हैं, ये देख लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक शुक्र जी। बोस जी कारोबार के क्या हालात रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है काम, कस्टमर सही, यानी कि अभी तक आमद और रफ्त। ये देख रहे दोस्तों काफ़ी कस्टमर आते हैं इस मार्केट में। तो ये भाई के परिंदे हैं, कौन कौन से ब्लड लाइन में से हैं? टैडी हैं, गोल्डन है, टैडी हैं, गोल्डन है, पुरान वाले कबूतर भी हैं, काफ़ी हद तक बिके हैं, थोड़े से रह गए हैं बस उनके। क्या रेट है इनके? इनका 1000 रुपये 1200 सिस्टम, यानी कि 1000-1200 की रेंज में ये परिंदे हैं दोस्तों, ये देख लें। और कौन सा माली आ रहा है? ये देखें ये जी दोस्तों, ये आप देख लें, ये कस्टमर आ गए हैं। तो यही तंगी होती है वीडियो बनाते वक्त, दुकानदार जो भी भाई आते हैं ये इनकी शफकत होती है। ये देखें ये लाला जी ने निकाला, ठीक है, ये इसका पार है। ये लाला जी ने निकाला है, 1500 रुपये मांग रहे हैं। लाला जी कितना रेट मांगा है? 1500 मांग लिया, ठीक है। तो भाई हमें कह रहे थे 1000 रुपये पर, 1000-1200 ही बताया ना आपको, 1500 बता दिया। ठीक हो गया। अच्छा भाई जान, आपने उनको 1500 बता दिया, तो क्या वजह है? हमें 1000 बताया था, बहस करके दोबारा फिर रेट तो वही देना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा फिर बढ़ा के फिर बताना पड़ता है। ठीक हो गया, यानी कि रेट बढ़ा के बता देना तो फिर वो। क्या रेट है इसकी? तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब टाइम देने का, कोई बात नहीं जी। दोस्तों ये देख लें, ये चेक करें, गर्मी की वजह से ये व्हाट्सअप देख लें बैठा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है बाट साहब? अल्लाह का करम है भाई, बाट साहब शो करवा दें हमें। हाँ जी बाट साहब, क्या रेट है इनके? अरे 1000 रुपये और भी नहीं। ये क्रासों वाले हैं, उड़ने वाले परिंदे हैं वो, देखिए एक माती सेल हुई है कितने की? 4000 रुपये की, उसका शो करवा देना बाट साहब। ये सही बताना कितने की सेल हुई है? 4000 की बता रहे हैं, यानी कि एक और इसकी बहन कर दो, सही होगा। पर दिखाना इसके, ये इसके पार अभी तकरीबन 5 पर की पट्टी है, तुम देख लें पंजे दिखाना, ये इसके पंजे अच्छा साइज बनाएगी। अभी तो नहीं, अगले ने 4000 रुपया दे दिया यार, मैरो वाली है, सेठ वाले जो होते हैं वो बिल्कुल लोगों में होते हैं, उन्हें भी वो रहल है, बिल्कुल मोमिन हो गए। सर जी जो रायल हैं वो कैसे बने? बिल्कुल मोमिन हो गए। बने कैसे हैं? ये सवाल है जालदार, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी देखें उस्ताद, मैं रसगर साहब की ब्लड लाइन ऐसी है, ठीक है। मैं रसगर साहब हैं के जिनसे दोस्तों ने काफ़ी बंदों ने कबूतर लेके बनाए हैं, ठीक है। उनके अंदर मैरों वाला पर भी है, ठीक है। हाँ। और सेठ वाला पर भी है, यानी कि मुख्तलिफ इकसाम की, यानी कि उन्होंने अपनी मेहनत की है इमरान भाई ने, ठीक है। ऐसे तो नहीं रॉयल डैडी पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, उन्होंने एक मेहनत की है, ठीक है। तो अब वही जो रहे लाख लाख 1.5-1.5 लाख रुपये के मिल रहे हैं, इस तरह ही है, ऐसे ही है। तो ये आप 4000 रुपये की बता के आप उनका नाम लें, ये तो नहीं ना अच्छी बात है। नहीं बात ये,
तो मैर वाले जो है ना कसरे को जुम्बे हैं अलवनों के, मेरे पास पड़े हैं वो पुराने हैं स्वागत है वो पुराने हैं, लेकिन आजकल आपको पता जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है। आजकल जैसे मैरों वाले कबूतर हैं वैसे कबूतर ही कोई किसी के पास नहीं, खूबसूरती में मैरों वाले लाजवाब हैं। कबूतर है मेरे पास बच्चे उड़ाने वाला है नहीं कि खूबसूरत है बस जरगाना का, दो भाई हैं दो सफेद आंग में दो बोस्की आंग में। तो कितनी प्रवाद ली आपने? माशाल्लाह बड़ी प्रवाद, यानी कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार जो खूबसूरती में होते हैं वो बच्चे काम उड़ाते हैं, और जिसकी आँखें हैं उसको पता चल जाता है, जिसको नहीं समझ आया तो फिर। लेकिन बात ये होती है ना कि उनके अंदर भी आप समझ लें कि खरबूजे ही होते हैं, कोई काम कर जाता है कोई नहीं करता। नहीं जिसको पहचान वो पहचान लेता है यार। बात ये है मंडी के अंदर इतने इतने बड़े हाई लेवल के उस्ताद आते हैं, कोई होगा जो फीका निकलेगा, नहीं तो 10 में 8 तो वो सही बताएगा, उस्ताद हो सही कबूतरबाज हो। आजकल आपको भी पता कैसे उस्ताद है, ठीक यही बातें हैं, अच्छे बुरे सब दुनिया में सही हो गया। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया कि दोस्तों ये मंडी के हालात है। अशोक रहा था ना भाई जान? जी भाई जान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपकी दुआएं हैं, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्तों बात ये है कि मंडी में काफ़ी सारे जो होते हैं वो हमारे व्यूवर्स से निकल आते हैं, ठीक है, तो हमारे व्यूवर्स की वजह से मंडी में रौनक है, बहाल है, ठीक है। जो लोग तो लाहौर से हैं या लाहौर से बाहर वाले हैं वो मंडी का लाजमी विज़िट करें, ठीक है। इधर कल्चर बहुत अच्छा है, फिरने तुरने का मज़ा आता है, रेट इधर हाई है, लेकिन निज़ाम बहुत प्यारा है इधर का, निज़ाम बहुत प्यारा है। अभी तो तकरीबन की 2-1 का टाइम हो गया, 1-2 बज गए, हाँ जी बज गए 2, तो तकरीबन समझ लें कि जब 10 का टाइम होता है तो मंडी में ऐसे रश होता है कि यार अपनी जेबें बचा के निकलना बड़ी मुश्किल होता है। ऐसे ही है, तो मैं दोस्तों इस वजह से भी नहीं होता क्योंकि जेब अगर खाली कर देते हैं इधर रश में, तो ये भाई जान ने एक मादी निकाली है, इसका शो करवाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये बेसिकली टैडी और कमगर के क्रॉस में बनी मादी है मेरे साथ। हाँ जी मादी है ये, ठीक है। ये इसके पार दोस्तों देखें, चीज़ें ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, बहुत प्यारा वजूद है इसका, यकीन जाने। और कुछ लोग, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि यार वो मुझे पेमेंट भेज देते हैं कि हमजा भाई आप हमें ना खरीदारी करके भेज दें बच्चे, यानी कि आज भी मैंने 35 बच्चे भेजे हैं एक दोस्त, तो इधर से इतना मुनासिब बच्चा और इतने अच्छे अच्छे बच्चे के यार, जो लोगों के घरों से 2-2 हज़ार का बच्चा मिलता है, इधर मुझे उन्होंने 800 के हिसाब से दे दिया थे। यार परिंदे जो से है ना अच्छे परिंदे, वो मुनासिब घरों में से मिल सकते हैं मुनासिब कीमत पे। अगर आप कहें ना कि डायरेक्ट बड़े घरों में जाए, उन्हें बड़े घरों में मजा नहीं है। जी मुँह कहते ने कि जी रजिस्ट्री ले आए हो, तेरे को रजिस्ट्री होवे वीगो होवे तो फिर तेरे को आओ। अच्छा भाई किधर से? हाँ हमारा ये पास ही घर है, फरूगंज में जी, इनका पास ही घर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात होती है कि हमारा चैनल लाहौर के अंदर यानी कि पूरी दुनिया के अंदर तेजी से चल रहा है, ठीक है। 16,700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उनमें हम भी शामिल हैं, उनमें ये भी शामिल है, आप भी शामिल हैं। जो दोस्त नहीं शामिल उनसे रिक्वेस्ट है कि यार वो भी शामिल हो, यार जरूर करें आप। हमजा भाई का ये जो पिजन ऑफिशियल है ना आपका लाहौर पिजन ऑफिशियल, लाहौर पिजन ऑफिशियल चैनल, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, इसमें आपका बड़ा फायदा है। और देखें यार अपना टाइम निकाल के आप दोस्तों के लिए शो करवाने आते हैं, ठीक है। वो भाई देखो कि तुम नंबर शेयर कर दो, एक बंदा लाहौरों बाहर लाहौरों उन्हें वापस उन्हें लाहौर आना है, उन्हें किराया यकीन मानो अपना नंबर शेयर करी दा ना, ठीक है। तो जरा दोस्त के उन्होंने कबूतर उठे पहुँचा दे, तो सबको पहले बड़े बेनीफिट आया कि यार सारा दिन का वक्त बच गया, वीडियो के बिच परिंदे सिलेक्ट किए तो भाई परिंदे कार को करा। देखें यार बात ये होती है ना कि सबसे बड़ा जो इशू होता है भाई जान, देखें आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि गारंटी जो होती है ना मैं अपने अलावा किसी बंदे की नहीं दे सकता पूरी मंडी के अंदर। अगर मैं किसी बंदे की वीडियो बनाता हूँ वो कबूतर दिखा के, जैसे ये आपने हाथ में पकड़ी हुई माती है, हाँ जी ठीक है, ये दिखा के भेज कोई और दे, वो गलत बात है। उस तरह फिर पता क्या होता है, वो 1-2 बंदे काम करते हैं उसमें 100-150 बंदा भी डील हो जाता है,
उसने आगे बताना आगे बताना देखें आगे बताना कितने यूट्यूबर हैं, कुछ यूट्यूबरों की वजह से सारे यूट्यूबर गंदे हो रहे हैं। और एक मिसाल है ना तलाए जी कि मच्छी गंदी होती है, पूरा दरिया गंदा गंदा कर देती है। मगर ऐसा विषय है कि यार अपना वक्त बचाओ, बस ये बात होनी चाहिए कि यार जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा ना अतमाद है, आपके पैसे हक हलाल के हैं, हाँ जी ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, तो आप अपने हक हलाल के जो पैसे हैं वो उस बंदे को पहुंचाएं जिसके ऊपर आपको तबार है, हाँ जी ठीक है। और उन बंदों के लिए भी यार, वो अगर जो बंदा आपको पैसे भेज रहा है पता नहीं वो कैसे करके भेज रहा है, जो आजकल का दौर है यार, देखे इतनी मेहनत है जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, यकीन माने अपने बच्चों को छोड़ के अपना वतन छोड़ के उधर जाके कपड़े खुद धोते हैं, बर्तन खुद धोते हैं, ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, और इधर तो होता ना कि यार हमने 8 घंटे ड्यूटी दी तो बस ठीक है। 8 घंटे क्या, जिन्होंने कबूतर रखे उन्होंने कहना है बस दुकान पे चले गए हैं, वो यार हमारी कोई भी वीडियो आप उठा के देख ले, कई बार बच्चा मुझे नजर आ जाने मुझे इतनी एलर्जी होती है, मैं उसकी उधर ही समझ लें कि समझाता हूँ कि यार इधर मंडी में आने का फायदा ही नहीं है, और छोटे बच्चे होते हैं वो इधर आके तंग भी करते हैं, 1000 वाले कबूतर का ये अंकल जी को 300 लगा दिया, ठीक है, इनको 200 लगा दिया, ठीक है, तो ये बातें होती हैं। नहीं ये बात नहीं ऐसी, और बात ये होती है कि यार नंबर मैं किसी बंदे का शेयर अब नहीं करता, ठीक है, लेकिन कर भी देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो रहा होता अगला बंदा खुद अपनी जिम्मेदारी के ऊपर करे, जिसने लेना है उसने अपनी पसंद के लेने हैं, उससे यार अपनी पसंद के लेने हैं, ठीक हो गया। आपने अगर पैसे भेजने हैं ना तो आपने सिर्फ किसकी वजह से भेजने हैं, मेरे चैनल की वजह से, आपके चैनल की वजह से। तो अगर किसी बंदे ने फ्रॉड कर लिया उसने कहना हमजा भाई को पकड़ो बाकी सबको छोड़ दो, वही बात हो गई, वो 34 साल का कबूतर नहीं उड़िया, वो बंदे ने नहीं फड़ना जाकर 34 साल में फड़ लो यार, वो बंदे ने देखो ना कि यार देखो की गलती हुई है, ठीक है। गल हैगी है कि असं कहने कि यार हूँ वेखो ना पंजाबी दे विच बोलन दा भी अपनी मजा, मैं कहना सवाल ही होता है वो ही नहीं सकता बंदे का यार। बाकी शुक्रिया भाई जान आपका, और ये भाई के माशाला से बालों का स्टाइल देखे, ये भी हमारे बहुत काबिल उस्ताद है माशाल्लाह, और ये अभी तक मंजरे आम पे नहीं हुए इतने माशाल्लाह, इनके घर भी काफी ब्रीड है, गोल्डन कमकर टैडी, शो करवाएंगे भाई जान आपके घर का इंशाल्लाह जरूर, इनके पास ये बहुत, आप इन्हें कहेंगे ना कि यार ये नस्ल निकालनी है, और ये आपको अपने खुडे में से ही एक माँ के यार फिर ऐसे बंदों की वीडियो बनानी चाहिए ना, देखे मैं ऐसे बंदों की बनाऊंगा मंडी से ज्यादा वायरल होती है, हमारे इलाके का ना माशाल्लाह बहुत काबिल लड़का है, ठीक है, फरहान कुरैशी का नाम है ये। अच्छा आप हमें अपने घर के बच्चे भी देंगे? हाँ जी बच्चे भी अवेलेबल हैं, यानी कि मुझे बच्चे चाहिए होंगे, जो चीज बच्चे चाहिए, बड़े बड़े जरा थोड़े से मुश्किल है, बच्चे आपको लाजमी मिल जाएंगे जी, ठीक हो गया, मैं अपने दोस्तों को ना आपसे ना पहले चेक करूंगा, ठीक है, अगर आप हमारे मियार के हुए फिर मैं लूंगा। इनके पास माशाल्लाह काफी अच्छी ब्रीडें पड़ी हैं, गोल्डन भी हैं, कमकड़ भी हैं, डब वाले भी हैं, टैडियों में बस ठीक हो गया, पुराने कबूतर है और माशाल्लाह अपनी क्लास, और आपने हमें रेट भी ऐसे देने हैं कि यार मैं कहूँगा यार मुझे भी समझ ले कुछ मार्जिन हो गया। मैंने आपसे एक पहली रिक्वेस्ट की है कि अच्छा कबूतर जो है ना वो हम जैसे और इस मार्केट के मुताबिक लो लेवल के घरों में से मिलता है, उसमें हमारा शौक पूरा होता है, अगर हम कहें ना कि हम बड़े उत्साह से जाकर वो नहीं हम ला सकते, बात यही होती है, वो 50,000 लाख ठीक हो गया भैया, शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जनाब? अल्लाह जी रहमत। नाम क्या आपका? साजिद अली। ये साजिद भाई आए हैं मंडी के अंदर दोस्तों, माशाल्लाह से बहुत अच्छे परिंदे मियारी कबूतर सुनने में आए कि इनके पास हैं सबज आँखों वाले टैडी, ठीक है, और जिनको कालू टैडी कहते हैं वो भी इनके पास है अवेलेबल, तो बच्चे वगैरह इंशाल्लाह ताला इनसे लेंगे, बच्चे मिल जाएंगे कि नहीं हमें? मिल जाएंगे भाई, बच्चे इंशाल्लाह ताला इनसे लेंगे, पर दिखाना है इसका, ये इसका पार है। अच्छा सर इसका रेट क्या है? इसका रेट है भाई 2000 रुपये। ये 2000 रुपये का बच्चा है, ठीक है दोस्तों, ये देख लें ऐसे, ये हमें भी मुनासिब देंगे घर से भी, यही ना हो के घर आपके आए तो आप रेट ज्यादा मांग लें, नहीं ऐसी कोई बात, तो आपके इंशाल्लाह ताला परिंदों का भी शो करवाएंगे, जी जी करवाएंगे, तो ऐसी ऐसी नयाब नस्लों के कबूतर दिखाएंगे दोस्तों। देखें मंडी के अंदर ना अच्छे से अच्छे उस्ताद आते हैं, ठीक है, जिनकी परख है, तो माशाल्लाह से समझ लें कि आपको शो करवाएंगे ना, इनके कबूतरों का भी काफ़ी अच्छे है, रूज के ऊपर आपको मज़ा आएगा,
और उस्ताद जी आपका यानी कि कौन कौन सी ब्लड लाइन को पसंद करते हैं? जो अच्छे उड़ जाए वही हम ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि जो परवाज़ दें काम वही अच्छे कबूतर हमें लगते हैं। और बिजनेस के लिए टैडी कबूतर जो मैरो वाले कबूतर हैं वो बहुत अच्छे कबूतर हैं। यानी कि ये बिजनेस ऑफ क्लास के लिहाज से अगर आप कहें कि टैडी जो हैं वो उस लिहाज से रखें तो ये आपका कहना बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लिहाज वो देखें ना कि यार जो उड़ान वाले कबूतर हों तो मज़ा उनको ही आता दाना डालने का, कि जिनका बच्चा बंदा निकाल दे नज़ारे देखे कि यार क्या बात है। और मैं अपने दोस्तों के एक पैगाम यही देता हूँ कि यार खुटा भरने की बजाय ना आता खुटा भरने, यानी कि 50 की बजाय 20 ले लें, कबूतर काम के लें, कबूतर काम के लें, मियारी परिंदे लें, पता लगे किसी को कि हाँ यार जो फलाने बंदे के पास देखें अच्छी चीज़ होगी, आपका नाम बनेगा। आपका एक नाम है ना, देखें आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हैं, मैंने फ़ौरन आने की किया कि यार भाई के साथ जाके गुफ्तगू करें। और दोस्तों ये अंकल जी से भी आपको मिलाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो उस्ताद जी आपके पास कौन सी ब्रीड है? सियालकोटी है जी, सियालकोटी। ये सियालकोटी कबूतर हैं दोस्तों इनके पास, ये वैसे है एक ही जगह के हैं लेकिन अगर हम इनके पास जाए ना तो हमें आधा घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके कबूतरों का आपको शौक करवाएंगे, आप भी बच्चे दे देते हैं कि नहीं? हाँ जी सेल कर देते हैं। अच्छे बच्चे यानी कि मुझे मिल जाएंगे ना अपने दोस्तों को देने के लिए? जी सर। और रिजल्ट कैसे हैं आपके परिंदों के? बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आउट क्लास रिजल्ट के परिंदे हैं। तो अपना नाम बता दें। सैयद गुलजार हुसैन शाह। सैयद गुलजार हुसैन शाह जी, ये उस्ताद जी हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो भी घंटे की लगती है जो बंदा बोर होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।